नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप भी ANM की नौकरी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सरकार द्वारा सभी ANM वालों को एक बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। दोस्तों चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर आप ANM संविदा पर नौकरी कर रहे हैं, यह वीडियो उन दोनों के लिए है दोस्तों। और सरकार द्वारा यहाँ पर अब जो सभी की सैलरी है वह बढ़ा दी गई है, यानी कि 25,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से अब सभी संविदा पर जो नौकरी कर रहे हैं उन सभी को अब 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि संविदा पर जो नौकरी कर रहे हैं उनको 25,000 रुपये से अलग और भी कई सुविधाएँ हैं जो उन्हें मिलने वाली है और जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों आप अगर आप यह संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आपकी नौकरी ANM में है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो यहाँ पे उनको लाभ मिलने वाला है और वह सुविधाएं आपको बताई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप जो सरकार द्वारा आपको देने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि और भी व्यक्ति इसके बारे में जान सकें। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। दोस्तों वैक्सीनेशन में अग्रणी भूमिका निभा रही संविदा पर कार्यरत ANM को परीक्षा से मुक्त 25,000 रुपये वेतन सहित और कई अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निर्देश अपना उपाध्याय ने अपनी सहमति जताई है। और दोस्तों आपको बता दें कि मिशन निर्देश ने यह सहमति आज उनसे मिले कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से वार्ता जताई है। दोस्तों आगे जानकारी दी गई है, उन्होंने यह जानकारी देते हुए यह संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री अतुल मिश्रा और नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल पदाधिकारियों में संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय और दोस्तों ANM संविदा संघ की प्रदेश संयोजिका प्रेमलता पांडे और प्रदेश के महामंत्री सीमा शर्मा त्रिवेदी और दोस्तों वन्ना देवी, संरक्षक ANM संघ के संरक्षण सूर्य प्रकाश पांडे और दोस्तों यहाँ पे बताया गया है आगे मिशन निर्देश से मुलाकात की है। अब दोस्तों इन सभी की एक बैठक हुई है और उस बैठक में जो नए नियम लागू किए गए हैं और नई सुविधाएँ अब सभी को दी जाएगी, वह कौन कौन सी सुविधाएं हैं वह भी हम आपको अब बता देते हैं। दोस्तों इन सभी की मुलाकात के दौरान मिशन निर्देश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा अनुसार सभी ANM काम कर रहे हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन में अग्रणी भूमिका निभाई है। दोस्तों जो आपने कार्य किया है, यानी कि जो ANM ने कार्य किया है उससे खुश होकर सरकार ने उन्हें एक या तोहफा दिया है और अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश में यह नंबर वन रहा है, यानी कि जो वैक्सीनेशन का कार्य उन्होंने किया है यह प्रदेश में नंबर वन रहा है। उन्होंने कहा है कि पेट परीक्षा मुक्त वेतन 25,000 रुपये करने की कार्रवाई राज्य अन्य राज्य के आधार पर गृह जनपद ट्रांसफर के लिए वैधता अनुसार किए जाने के लिए शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी। यानी दोस्तों जो आपको अब वेतन मिलता है तो उससे अब बढ़कर आपको वेतन दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों अब सरकार द्वारा आप सभी को जो संविदा पर कार्य कर रही हैं, जो ANM हैं जो संविदा पर कार्य करते हैं उन सभी को अब सैलरी बढ़ाकर दी जाएगी और वह सैलरी अब 25,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दी जाएगी। अब दोस्तों और अन्य क्या सुविधाएँ हैं वह भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि संविदा ANM को मोबिलाइजेशन राशि प्रदान की जाएगी। आगे है दोस्तों उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी को सुरक्षा के लिए 50,000 दें। दोस्तों आप यहां पे स्वयं ही देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों 50,000 नहीं 50,00,000 रुपए का बीमा किया जाएंगे। यानी कि दोस्तों जो सभी प्रदेश के यहां पे ANM में नौकरी कर रहे हैं, संविदा पर नौकरी कर रहे हैं उन सभी को अब दोस्तों 50,00,000 रुपए का उनका बीमा कराया जाएगा। यह अलग सुविधा दी जा रही है सरकार द्वारा और इसका प्रस्ताव भी दोस्तों तैयार किया जाएगा। और इन्हें इसके अतिरिक्त ANM को गोल्डन कार्ड भी दिया जाएगा और दोस्तों उनकी जो सुविधाएं हैं इनके स्वास्थ्य सुविधा का कार्ड भी उनके लिए अनिवार्य कराया जाएगा। यानी दोस्तों उनको आप जो इलाज
होता है वह सरकार द्वारा फ्री किया जाएगा। उनको एक दोस्तों गोल्डन कार्ड मिलेगा और स्वास्थ्य सुविधा के लिए उन्हें कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वह अपना आसानी से फ्री में इलाज करा सकें और उनको अन्य और भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाएगी। अगर आप ANM में नौकरी करते हैं तो आप इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रति एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी व्यक्ति इसके बारे में जान सकें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप चाहते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।